नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। जी हां दोस्तों, फिर खुशखबरी की बात है कि पंचायत सचिवों के वेतन के लिए फिर से बजट आवंटन जो है जारी हो चुका है। जी हां दोस्तों, सही सुना, फिर से बजट आवंटन जारी हो चुका है। जैसा कि हमने पहले भी देखा था, हमारे लिए जो है सैलरी के लिए बजट आवंटन आ गया था, अब फिर से जारी हो चुका है, जिससे कि हमें आगे आने वाले महीनों में सैलरी के लिए इंतजार नहीं करना होगा और सही टाइम पर सही वक्त पर जो है हमें सैलरी का भुगतान हो सकेगा। ठीक है, तो किस जिले में कितना आवंटन आया वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। तो चलिए, सभी को बहुत बहुत बधाई और पूरा वीडियो ध्यान से आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, हम सीधे आदेश पर ही चल रहे हैं। पंचायत राज संचालन मध्य प्रदेश से आदेश निकाला जा चुका है। क्रमांक देख सकते हैं आप, भोपाल दिनांक 4/4/2024 4 अप्रैल 2024 कली के दिन निकला है। प्रति मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ जनपद पंचायत सूची अनुसार मध्य प्रदेश। विषय महत्वपूर्ण यही है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ग्राम पंचायत सचिवों के वेतन भत्तों में कम पड़ रही राशि की प्रतिवृत्ति हेतु योजना क्रमांक 6299-0101-0102 और 0103 ये जो हेड हैं गौण खनिज मध्य में बजट आवंटन जारी करने बाबत। ये पूरा जैसे हर बार लिखा रहता है वैसा ही है, ग्राम पंचायत सचिव के वेतन भत्ते हेतु। तो एक राशि आई है हमारे पास 115 करोड़ 15 लाख 50 हज़ार रुपये की, और ये 0101 में आई है ना, 0102 में कितनी आ गई है 41 करोड़ 60 लाख 70 हज़ार रुपये आ गई है। 0103 में कितनी आ गई है, ये आ गई है 13 करोड़ 23 लाख 90 हज़ार। इस प्रकार से कुल राशि जो आ गई है वो आ गई 170 करोड़ 10 हज़ार रुपये। ठीक है, का आवंटन ग्राम पंचायत सचिवों के वेतन भत्तों में कम पड़े राशि की प्रतिपूर्ति हेतु आपके जनपद पंचायत प्रदाय किया जा रहा है। उसके पूरे नियम कंडीशंस भी पूरी लिखी हुई है, जिस तरह से लिखी रहती हैं हर बार, तो वो पूरी मैं आपको स्क्रॉल कर देता हूँ। और अब आपको जो है मेन राशि दिखा देता हूँ। संयुक्त संचालक महोदय वित्त विभाग पंचायत राज संचालन मध्य से आदेश निकाला जा चुका है, प्रतिलिपि भी दी जा चुकी है वित्त विभाग में। तो दोस्तों, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ किस जिले में किस जनपद पंचायत में कितनी राशि आई है। तो पंचायत राज संचालनालय से जो राशि निकली है, यहाँ क्रमांक देख सकते हैं, जिला रहेगा, फिर क्रमांक कितनी जनपद हैं, जनपद पंचायत के नाम रहेंगे, स्वीकृत पद कितने सचिव महोदय के वो, कार्यरत सचिव कितने हैं वो, जारी राशि पहली जो 6299-0101 में है वो राशि, कहीं पर 6299-0102 में राशि होगी, कहीं पर जारी राशि 6299-0103 में होगी जारी कुल राशि। ठीक है, दतिया का पहले आप देख सकते हैं, दतिया जिले का जो आवंटन है वो इस तरह से है। इसके बाद देवास जिला है, देवास जिले के सारे जनपद पंचायतों में कितना आया वो देख सकते हैं। धार जिला है, धार जिले का आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज कर आप आसानी से देख सकते हैं। डिंडोरी जिला है, इसके बाद गुना जिला, फिर ग्वालियर, फिर हरदा, हरदा जिला है, होशंगाबाद जिला जिसको नर्मदापुरम अब कहते हैं, इंदौर, जबलपुर, झाबुआ, कटनी, कटनी के बाद हम आते हैं खंडवा जिले पर, फिर खरगोन है, फिर मंडला, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, फिर नीमच, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, इसके बाद रतलाम, फिर रीवा, रीवा के बाद हम आएंगे सागर जिले पर, फिर सतना जिला, फिर सीहोर। अब देखिए सिवनी जिले से ये दूसरे मध्य में आई 0102 में। ठीक है, इस तरह से सिवनी जिला, शहडोल जिला, साजापुर, शिवपुरी, श्योपुर, सीधी, फिर टीकमगढ़, उज्जैन, उमरिया, विदिशा, अनूपपुर, इसके बाद अशोकनगर। अब अशोकनगर से आई है 0103 में। ठीक है, बुरहानपुर, अलीराजपुर, सिंगरौली, आगर मालवा और निवाड़ी। ठीक है, तो इस तरह से राशि रुपये 170 करोड़ 10 हज़ार रुपये मात्र।
संयुक्त संचालक वित्त विभाग पंचायत संचालन मध्य प्रदेश भोपाल से पूरी जारी की जा चुकी है। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही खुशी की बात है कि अब जो है आवंटन अभी पहले भी आ चुका है, अब भी आ चुका है, तो अब जो है हमारी आगे आने वाली जो सैलरी है वो हमें प्रॉपर टाइम से मिलती रहेगी। ठीक है, आगे आने वाले महीनों में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। सभी को बहुत बहुत बधाई, और इन सब जानकारी के लिए आप मेरे साथ बने जरूर रहिए। आपको पता ही है मेरी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहती है। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।